साथियों जय हिंद, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो आरेखीय व्यवस्था या आरेखीय निरूपण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये डिफेंस के सभी एग्जामों में, वैसे भी सभी एग्जामों में आते हैं, बस थोड़ा लेवल चेंज रहता है। जैसे अब क्या है कि आर्मी के एग्जाम में थोड़ा लेवल का उसके ऊपर, और जैसे जैसे आपका कंपटीशन हार्ड होता जाता है उसी तरीके से आपके एग्जाम के अनुसार ये जो है इसके सवाल आते हैं। इतना है कि सभी एग्जामों में ये सवाल आते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तभी आपके समझ में आए, ठीक, मतलब तभी आपके एग्जाम में आए, ये सभी एग्जाम में लगभग आते हैं। क्या आरेखीय निरूपण या आरेखीय, इसी को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एक जो ये आरेखीय निरूपण है, ठीक है, आर्य व्यवस्था नहीं, आरेखीय निरूपण है, इसी को आप वेन आरेख बोलते हैं। क्या वेन आरेख भी बोलते हैं। तो देखिएगा इसमें दो टाइप के सवाल आते हैं, तो हम इसे दो दिन में दो टाइप के सवाल पढ़ेंगे, एक टाइप फर्स्ट होता है और एक टाइप सेकंड। अब इसे समझिएगा, तो जो टाइप फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो फर्स्ट टाइप है उसमें क्या होता है, जैसे उसमें इस तरीके से कुछ चित्र दिए रहते हैं, इस तरीके से ठीक है, यहाँ कोई गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से दिए रहेंगे और कह देंगे मान लीजिए ये बालक है और ये मजदूर है और ये शिक्षक है, ठीक है। तो वो ये पूछता है इस तरीके से, जो त्रिभुज बन रहा है वो मजदूर का बन रहा है, जो त्रिभुज है वो क्या है, मजदूर है, जो वृत्त है वो बालक है और जो ये वर्ग है ये जो आयत टाइप का है ये शिक्षक है, ठीक है। समझ लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा तब तो सवाल लगा लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें पूछता है इस तरीके से कि कितने ऐसे शिक्षक है जो बालक भी है, ठीक है। हम देख रहे हैं ये वाला शिक्षक पर है और ये वाला बालक पर है, ठीक है। तो देखना ये है कि कितने शिक्षक और बालक दोनों, तो ये वाला जो चित्र बन रहा है इसमें ऐसे व्यक्तियों को बताया जा रहा है कि जो कि शिक्षक भी है और जो कि बालक भी है, या वो पूछ सकता है कि कितने ऐसे मजदूर हैं जो शिक्षक के साथ साथ बालक भी है। तो ये जो चार वाला बन रहा है, ये वाला आप देख रहे हैं वो मजदूर में भी बन रहा है, शिक्षक में भी बन रहा है और बालक में भी बन रहा है, ठीक है। तो ये चार वाला क्या हो जाएगा, तो इसी तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। और जो अगला टाइप है, आज सिर्फ टाइप की बात करते हैं, सवाल कल लगाते हैं, जो अगला टाइप है उसमें जैसे आपको खुद से दिमाग लगा के बताना रहता है कि क्या कैसे है। जैसे उसमें ये दे देगा कि विद्यालय कामा शिक्षक कामा विद्यार्थी, ठीक है। तो इसमें अब आपको स्वयं से बताना रहता है किस तरीके से दिमाग लगाना, जैसे वो ऑप्शन देगा इस तरीके से कुछ, इस तरीके से ऑप्शन देता है उत्तर बताने के लिए। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि जो विद्यालय होता है उसके अंदर ही क्या होते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं। तो ये वाले चित्र में दिखाया जा रहा है कि एक के अंदर एक है लेकिन एक अलग है, ये तीनों अलग है, तीनों अलग नहीं होंगे क्योंकि विद्यालय में ही शिक्षक भी रहता है और विद्यालय में ही विद्यार्थी भी रहता है। जो ये भी है ये इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला जो चित्र है तो ये दर्शा रहा है कि जो बड़ा वाला है ये विद्यालय हो गया, ठीक है, और इसमें से एक शिक्षक हो गया और एक विद्यार्थी हो गया। इसी तरीके से सवाल इसमें लगाए जाते हैं जो कि हम कल लगाएंगे। आज सिर्फ आपको टाइप बताना था, और साथ ही आप लोग जो लाइव डाउट सेशन हो रहा है आप लोगों का, इसका डिफेंस से तैयारी से संबंधित फिजिकल मेडिकल रिटेन या अदर भी किसी कहीं पर आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत लग रही है तैयारी के दौरान, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हो सकता है आपके आपका जो आपकी जो समस्या है उसका हल मिल जाए। तो आप लोग जरूर से जरूर डाउट सेशन देखिए, और इतना सहयोग मिला है उसके लिए आप सबका धन्यवाद।
जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे जल्द से जल्द पहुंच सके। तो साथियों मिलते हैं कल की वीडियो में जिसमें हम इस पर सवाल लगाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।